मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो की नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेबा मीर ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं ज़ेबा मीर आ गई हूँ आप सबके लिए एक नया ब्लॉग लेकर। और सुबह के बज रहे हैं 10, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और आज कुछ स्पेशल बन रहा है किचन में, तो मैं आपको ले चलती हूँ। अभी कुछ बना रही हैं तो चलिए मैं दिखा देती हूँ क्या बन रहा है। तो अप्पी आज बना रही हैं छोले, और ये हैं बड़े वाले चने, इसको ओवरनाइट भिगो दिया था और बॉईल कर लिए हैं। ये देखिए ये बॉईल हो चुके हैं। और यहाँ हैं इसको तैयार करने के लिए टमाटर, जीरा, गरम मसाला, तेज़पात के पत्ते और हरी मिर्च, धनिया गार्निशिंग के लिए, और थोड़े से वो आलू मिक्स करेंगे इसमें। ये टमाटर की प्योरी है, और ये है लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट। तो गाइस, ऑयल गरम हो चुका है और इसे ठंडा कर लिया है अपी ने। सबसे पहले वो इसमें डाल देंगे जीरा और गरम मसाला। तो गाइस, ये जो लहसुन प्याज का पेस्ट था, इसमें अपी ने सभी सूखे मसाले डाल दिए हैं, मिर्च, धनिया, नमक और थोड़ी सी हल्दी, ये इसमें डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो हम इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लेंगे, जब तक इसका तेल ऊपर नहीं आ जाता है। तो ये देखिए गाइस, 5 मिनट हमने इसे अच्छे से भून लिया है और ऑयल इसका ऊपर आने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर की प्योरी जो हमने बना के रखी थी। तो ये एक और आधा टमाटर है, 1.5 टमाटर की प्योरी है, हम इसमें डाल देंगे। अब आप इसमें ऐड कर रही हैं हरी मिर्च जो स्लिट करके रखी हुई थी, ये 4 हरी मिर्च है। और अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट पकने देंगे। तो गाइज, हमने इसे 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर कुक कर लिया है और ये अच्छे से रेडी हो चुकी है ग्रेवी। ये देखिए, इसमें तेल भी आने लगा है ऊपर। तो हम इसमें आलू मिक्स कर रहे हैं क्योंकि हमें पसंद है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये बॉईल करे हुए आलू हैं, अब हम इसमें ऐड कर देंगे। 4 आलू हैं छोटे छोटे। तो ये अच्छे से पक चुकी है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे छोले जो हमने बॉईल करके रखे थे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से छोले बना सकते हैं, अगर आपको थिक पसंद है तो आप थिक बना सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा पानी रखना है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। यह आपके पसंद के ऊपर है गाइस कि आपको थिक खाने हैं या फिर ग्रेवी वाले रखने हैं थोड़े, क्योंकि आप इसे पूड़ी, चावल या फिर जैसे आपका मन करे आप खा सकते हैं। और इसमें 2 टिफिन कम से कम बाजी ने इसमें पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि इसको थोड़ी देर कुक करा जाएगा तो पानी इसमें मिक्स हो जाएगा अच्छे से और ग्रेवी भी रहेगी थोड़ी इसमें, क्योंकि हम इसे चावल के साथ खाने वाले हैं। और अभी हम इसे 2 से 3 मिनट बंद कर देंगे। तो गाइस, छोले बनकर रेडी हो चुके हैं, ये देखिए। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे ये, और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक बार ट्राई कर लेना। तो आई होप गाइस आपको मेरी छोले की रेसिपी पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे लगेंगे बनने के बाद। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो देख चुके हैं पूरा कंप्लीट और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो बिना चैनल को सब्सक्राइब करें नहीं जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें,
इससे आपको मेरे फ्यूचर में आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। तो बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दें और आपसे जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। आप सभी को ज़ेबा मीर का अल्लाह हाफिज़।